यहाँ पर स्विच को प्रिंट करा जा रहा है, ठीक है। हर ब्रांड का, हर हर प्रोडक्ट का यहाँ पे स्विच शूट होता है, स्विच सॉकेट हर चीज़ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे इसमें हमारा एपी की ब्रांडिंग, हमारा अपना ISI मार्क, CML नंबर, पूरी डिटेल आपको इस स्विच पे मिल जाएगी। दिख रहे थे उसी स्विच का बाकी का पार्ट है यहाँ पे, हमने पीतल के टर्मिनल्स लगा दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर बाकी पार्ट भी लग जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद ये इस तरीके से स्विच बन के रेडी हो जाएगा। ये प्रिंटिंग क्या होता है, कसने में लोगों की टूट जाती है और ब्रांड्स की टूट जाती है। मैं आपको अपनी प्लेट की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ, ये देखो टूट नहीं सकती, ये टूट नहीं सकती। आप जितना भी मोड़ तोड़ लो इसको, कुछ भी कर लो, ये प्लेट नहीं टूटेगी। अच्छा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम आए भाई यहाँ पर स्विचेस तैयार होते हैं, स्विच और सीट कैसे बनती है वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि भाई ये तो बहुत आपको दिखाया कि स्विच कितने रुपए से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मगर स्विच बनता कैसे है आज मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे कैसे बनता है और कैसे भैया देते हैं, कैसे मिलता है, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बने ही रहिए लास्ट तक, तो ये चलते दिखाते हैं। सो गाइस, आज हम आए भाई भवाना फैक्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ के ऑनर से आप आज आपको मिलवाते हैं, तो ऑनर हमारे सामने है भैया। तो भैया अपने यहाँ कैसे कैसे स्विचेस बनते हैं, क्या होता है, सारा कुछ बताओ आज आप। मैं पहले आपको ये एरिया दिखा देता हूँ, ये हमारा मशीनरी एरिया है। आप चारों तरफ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो हर साइज की आपको मशीन मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मॉडलर प्लेट बड़ी से छोटी हर साइज में बनती है, तो उनके हिसाब से हमें बड़ी छोटी मशीनें बनानी पड़ती है, ठीक है। ये आप देखेंगे इधर ग्रैन्यूल्स है, सारे फ्रेश के इम्पोर्टेड ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। ब्लैक कलर का ये दाना है, और आपको व्हाइट कलर का भी दिखाता हूँ मैं। इधर आप देखेंगे ये दाने का हीटर होता है। अच्छा। सारे दाने हीट करे जाते हैं, माल के ऊपर निशान ना है, गर्म दाना जब मशीन में जाता है तो वो निशान नहीं बनाता। अच्छा अच्छा। ये सारा व्हाइट कलर का दाना है, आप देखेंगे इस पे चमक, एकदम फ्रेश का दाना है, ठीक है, चमचमाता हुआ, ठीक है। इससे स्विच तैयार होते हैं, इससे स्विच बनते हैं। अब आप इधर देखेंगे मशीन के अंदर, वहाँ पे दाना डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये इस तरह से हाइड्रोलिक प्रेस होता है, ठीक है, और यहाँ पे डाई होती है जो मशीन को स्विच का शेप दे देती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे दाना नीचे गया है, मशीन प्रेस कर रही है, अब इधर बन के एक पीस निकल आएगा, ये एक पीस बन के निकल आया, ये एकदम गरम गरम पीस होता है। ये स्विच का दो मॉड्यूल का स्विच है ये। अच्छा। उसकी डाई चल रही है, ठीक है, ये स्विच बन के एकदम रेडी है। अच्छा। ये तोड़ के हमने इनके पीसेस अलग कर लिए, और अगले प्रोसेस में ये स्विच की शेप लेगा। अच्छा। हाथ से असेंबल होगा। ऐसे आप इधर देखेंगे ब्लैक कलर का स्विच हम लोग बना रहे हैं, जैसे हम हर कलर में स्विचेस और सॉकेट्स अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो इस मशीन पे ब्लैक कलर का दाना डाला हुआ है, और वही सेम प्रोसेस पे डाई स्विच की शेप ले लेगी। ये फ्लैट स्विचेस हैं जो हम ब्लैक कलर में बनाते हैं, ठीक है, और ये बन के इस तरीके से इसका मोल्ड तैयार है। अब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, और ये नोब और बेस अगले प्रोसेस में इनको फिट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके जो है अभी आधा काम हो चुका है स्विच का, और इसके बाद पूरा प्रोसेस वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है, कैसे बन रहा है जी। और ये किस चीज की मशीन है सर? ये बड़ी प्लेटें बनाने के लिए मशीन होती है, 12 मॉड्यूल की प्लेट, 18 मॉड्यूल की प्लेटें सब इसके ऊपर तैयार करी जाती हैं। ठीक है। ये सारे आप देखेंगे यहाँ पे डाइया पड़ी हैं अलग अलग साइजेस की, ठीक है, सब यहाँ पे तैयार होता है। अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर स्विच तैयार हो रहा है, कैसे बन रहे हैं, ठीक है, असेंबलिंग पॉइंट पे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्विच को प्रिंट करा जा रहा है, ठीक है। हर ब्रांड का, हर प्रोडक्ट का यहाँ पे स्विच शूट होता है, स्विच सॉकेट हर चीज़ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे इसमें हमारा एपी की ब्रांडिंग, हमारा अपना ISI मार्क, CML नंबर, पूरी डिटेल आपको इस स्विच पे मिल जाएगी, ठीक है। ये लेजर ऐसे प्रिंटिंग, मतलब ऐसे लेजर प्रिंटिंग होती है ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ये आपको दिखाते हैं, ये सिल्वर फॉइलिंग की मशीन है। अच्छा। जो प्लेटों के सेंटर में आप सिल्वर कलर देखते हैं वो इसी मशीन से करा जाता है। अच्छा, बीच में जो सिल्वर कलर होता है, बीच में जो सिल्वर कलर होता है। ये देखो यहाँ पे सिल्वर करी हुई प्लेट्स रेडी है, ये ब्लैक कलर की प्लेट पे हमने सेंटर सारी सिल्वर पॉलिशिंग करी हुई है। अच्छा, अच्छा। ये फ्रेश प्लेट बनकर आ गई, सारी ग्रेड्स के ऊपर अब व्हाइट कलर का कवर चढ़ जाएगा, और सेंटर में सिल्वर कलर बहुत शानदार दिखेगा, शानदार दिखेगा, ठीक है। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं सॉकेट तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये ऐसे तैयार होते हैं सॉकेट? हाँ, ये एक एक पीस सॉकेट का आप देखेंगे तैयार है। वो चीनी मिट्टी के अंदर हम सॉकेट बनाते हैं, ताकि कभी भी सॉकेट जो है जले ना पीछे से, ठीक है। और ये जितने भी पार्ट आप इसके देख रहे हैं, ये पूरा पीतल का पार्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक ये प्योर पीतल का पार्ट होता है, और ये पत्थर का पार्ट होता है। अच्छा। और इसके अंदर कितनी भी हैवी वायरिंग चली जाए, कितना भी हैवी लोड चला जाए, पीस कभी भी जलेगा नहीं, ठीक है। ये होता है मतलब नॉन मॉडल वाला? ये नॉन मॉडलर वाला है, ठीक है। और मतलब अपना जो है पीछे जो है, लोग पहले प्लास्टिक लगा देते थे तो वो जल जाता था, अब आप पत्थर लगाते हो तो इससे जलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है।
इधर आप देखेंगे इधर स्विच का बन रहा है। अच्छा, तो जो नीचे हम स्विच देख रहे थे उसी स्विच का बाकी का पार्ट है। यहाँ पे हमने पीतल के टर्मिनल्स लगा दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर बाकी पार्ट भी लग जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद ये इस तरीके से स्विच बन के रेडी हो जाएगा। ये प्रिंटिंग हो चुकी है, सारे पार्ट लग चुके हैं, स्विच बिल्कुल रेडी है। ऐसे स्विच रेडी है जी, ये देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है स्विच। ठीक है, तो भैया इसके ऊपर पॉलिश वगैरह भी होती है क्या? हाँ, अभी आप देखेंगे वो पॉलिशिंग की मशीन रखी है वहाँ पे। ठीक है, अभी ये सबसे पहले पॉलिशिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे पॉलिथिन में पैक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो डब्बे में पैक होगा। एक एक प्रोसेस से बीतता जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, कल हो गई है पॉलिशिंग की। अभी हल्की हल्की सी पॉलिशिंग करेंगे शाइन के लिए और सफाई के लिए, उसके बाद बिल्कुल साफ पीस को हाथ के हाथ पैक कर लिया जाएगा। पॉलिश होने के बाद एकदम चमचमाता हुआ पीस आपके सामने है। आपके सामने अब ये पैक हो जाएगा। ये पैक होके पॉलिथीन सील हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, ऐसे करके ये सील हो गई। ठीक है, तो ऐसे तैयार हो जाता है ये स्विच। ठीक है, उसके बाद नीचे भैया के गोदाम में, ऑफिस में पहुँच जाएगा। गोदाम में नीचे जो है वहाँ दिखा देंगे आपको कैसे कैसे स्विच होते हैं, कितने मॉडलर से होते हैं, सारा कुछ दिखाएंगे। बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। आई चलो गाइस, ये देख सकते हैं सारा माल वहाँ से रेडी होके यहाँ पर गत्तों में पैक होके भैया ने रेडी कर दिया है। ठीक है, यहाँ से माल डिस्पैच होके ऐसे करके चला जाता है, जहाँ भी भेजना है भैया को। ये सारा माल डिस्पैच हो गया है, ये सारा जा रहा है। ऑर्डर आया था एक क्लाइंट का, उनके 10 कार्टून पंजाब के पैक रखे हैं, आज चले जाएंगे। अच्छा, 24 घंटे की डिलीवरी का वादा है, अभी निकलने वाला है ये। तो अब जो तैयार हो गए अपने सॉकेट, सो सॉकेट हैं वो आप जरा दिखाओ कैसी फिनिशिंग होती है। यहाँ पे नीचे आके हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं क्या अपनी फिनिशिंग कैसी होती है। अभी जैसे इंडिकेटर है, हमने नया मॉडल बनाया है, हमारी पैकेजिंग है मॉडलर की। ठीक है, और ये उसी पन्नी में के अंदर आपको पैक मिलेगा। ठीक है, और पर पीस अब इसको खोल के दिखाते हैं। ये आप देखेंगे कि लेटेस्ट डिजाइन का इंडिकेटर। अच्छा, इस पे आप फिनिशिंग देख सकते हैं, एपी की प्रिंटिंग ब्रांडिंग दे सकते हैं। इंडिकेटर हमारा तैयार है, रेडी है। ऐसे ही आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, हमारे सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मतलब ये इंडिकेटर कौन सी कंपनी को टक्कर देगा भैया? ये किसी भी कंपनी को दे सकता है ऐसा। अच्छा, और किसी कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा रखा। अच्छा, जो हम नहीं लगा सकते, हम सारे चीजें बेस्ट कर सकते हैं और हम करते हैं। अच्छा, करते हो। ये आप देखेंगे ये 5-pin सॉकेट है। ठीक है, पोर्सिलिन बैक है, ये भी चीनी मिट्टी के अंदर हम मॉडलर की 5-pin बनाते हैं। ये आप देखो। अच्छा, ये 5-pin सॉकेट है, पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार करते हैं भैया, आप देख सकते हो सामने। और पीछे जो लोग माल लगा देते हैं, प्लास्टिक का माल लगा देते हैं, वो जल जाता है भैया, देखा तो पीछे पत्थर का माल। ठीक है, तो ये जलता नहीं है जी, कितना भी लोड डाल दो इस पे, कितना भी लोड डाल दो, बढ़िया चलेगा ये नहीं जलेगा, एक नंबर का माल होता है ये ले सकते हो आप। ठीक है, एक ही मिल जाएगा। अच्छा भैया, अब हम बात करते हैं ये फिनिशिंग की बात करते हैं। तो ये शीटें तैयार हो जाती हैं। हाँ जी, तो ये होती हैं भाई मॉडलर में शीटें जी। शीट जो आपने ऊपर देखी थी क्रोम बंद हुए, तो क्रोम ऐसे करके इतनी फिनिशिंग के साथ बाद, उसके बाद नाम प्रिंट होने के बाद ये प्रोडक्ट आपके आगे रेडी है। हाँ, और ये मतलब बेस्ट शीट है। इसके अंदर मैं आपको इसकी खासियत दिखाता हूँ। ठीक है, ये ग्रिड और प्लेट अलग अलग हो गई। ठीक है, अब ये प्लेट क्या होता है, कसने में लोगों की टूट जाती है और ब्रांड्स की टूट जाती है। मैं आपको अपनी प्लेट की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ, ये देखो टूट नहीं सकती, ये टूट नहीं सकती। अब कितना भी मोड़ तोड़ लो इसको, कुछ भी कर लो, ये प्लेट नहीं टूटेगी। अच्छा, तो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, किसी भी तरीके से आप टेस्ट करो। ये भी प्लास्टिक का माल भी देखो कितना फिनिशिंग के साथ तैयार करा भैया ने, ये देखो। मतलब किसी भी ब्रांड से आप कंपेयर कर सकते हो इसे। ठीक है जी, उसके बाद ही माल खरीदो, पहले चेक भी कर सकते हो आके, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, वीडियो कॉल पर ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, और ये क्या होता है भैया, गेम बॉक्स? ये गैंग बॉक्स होता है, अगर किसी को अलग से फिटिंग करानी है, आपने अपने दीवार में कंसील्ड होल्स नहीं करवा रखे। अच्छा, तो आप इन गैंग बॉक्स को लगा के भी अपने घर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग करा सकते हैं या गोदाम में करा सकते हैं। ठीक है, ये कलर शीट है। अब ये कलर भी आजकल बहुत ट्रेंड में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉपर कलर है। ठीक है, इसके अंदर आप शाइन देखेंगे तो ये मतलब मिरर फिनिश देता है, और इसके ऊपर स्विच लगे हुए इतने बेहतरीन लगते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, और ये इसके अंदर और भी कलर आते हैं, ये इसका ब्लैक कलर है, तो ये आप देखेंगे ये ब्लैक कलर की शीट है। यहाँ पे ये हम ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा के देते हैं ताकि आप घर पहुंचने तक माल एकदम सेफ रहे, सेफ रहे, बिल्कुल कोई भी गंदगी इसमें ना लग जाए। ठीक है, तो भैया हमारे व्यूवर्स ये कह रहे थे कि भैया जो है वो रेट नहीं बताते हैं, तो रेट किस रेट में माल उन्हें ये पड़ जाएगा, और आप बता दो कैसे करके वो जान पाएंगे कि रेट, इसके रेट के बारे में। रेट के बारे में सर हम इतनी जानकारी दे सकते हैं कि हिंदुस्तान में इससे सस्ता माल कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो बेचते हैं वो किसी से खरीद के बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वाले लोग बहुत कम है,
आप हमें हमारे बताए गए नंबरों पर फोन करो, आपको रेट तुरंत मिल जाएंगे, दो मिनट का समय भी नहीं लेंगे हम आपसे रेट देने में, ठीक है, और इससे सस्ता और इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, यहाँ जो स्विच ऐसे भी होते हैं जो कि मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं? हाँ जी हाँ जी, वो स्विच भी मिल जाएंगे, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारे टच स्विचेस हैं, ठीक है, और ये टच स्विचेस आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। हमारी एप्लीकेशन का नाम है AP5, आप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इन स्विचेस को अपने घर में लगा के उस ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप दिखाएंगे एक आध कैसे कंट्रोल होता है? अभी मैं आपको टच करके कंट्रोल करके दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने टच करा आपका फैन ऑफ हो गया, या मैं एसी वाले स्विच पे टच करता हूँ आपके आगे, टच करा और वहाँ पे एसी ऑफ हो गया। अच्छा, टच करते मतलब बंद हो जाएगा? हाँ जी, टच करते एसी ऑन हो जाएगा। ऐसी आप फोन में ऐप पे भी टच करके ऑन ऑफ कर सकते हैं दुनिया में कहीं से भी। इस स्विच को लगाना है किसी भाई को, एक कमरे का खर्चा बताओ आप कितना आ जाएगा? कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता, एक कमरे के अंदर आपको तीन स्विच की जरूरत पड़ेगी, एक उसकी लाइट के लिए, एक फैन के लिए और एक एसी के लिए, ठीक है, सिर्फ 4,500 रुपए का आपका खर्चा आएगा, जिसके अंदर आपका पूरा कमरा आपके फोन पर आ जाएगा। अच्छा, पूरा रूम आपका फोन पे आ जाएगा, तो फोन से बेड पे लेटे लेटे आप कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल, बेड पे लेटे लेटे आप कहीं पे भी दुनिया में से अपने घर को देख सकते हैं कि अच्छा, आपके घर में क्या चल रहा है, क्या बंद है, और वहीं से उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया में कहीं पे भी बैठ से कर सकते हो? दुनिया में कहीं से भी। अच्छा, अब घर पहुंचने से पहले अपने घर का एसी चालू कर सकते हैं, सुबह उठने से पहले अपना गीजर चालू कर सकते हैं, सब कुछ होम ऑटोमेशन हो जाता है आपका। अच्छा, होम ऑटोमेशन हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो सर, अपनी जो कंपनी है वो कितने सालों से काम कर रही है? हमारी कंपनी को सर 45 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा। मेरे फादर ने आज से 45 साल पहले 1978 में इसको शुरू करा था, ठीक है, और आज हम इसको कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इतनी बड़ी बनाई हुई चीज को। हाँ। कोशिश कर रहे हैं मार्केट में सबसे बेस्ट रेटों में सबसे बेहतर प्रोडक्ट को दे पाए। बहुत बढ़िया। जैसे कि भैया ने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आना कैसे है, वो तो पिछली वीडियो में बताया, इसमें भी बता देते हैं, तो भैया बंदा यहाँ पर कैसे आएगा आपके पास? बंदा वैसे तो हम एड्रेस आपको बता देते हैं फैज जी, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो भाइयों के लिए, ठीक है, और वरना रिठाला मेट्रो स्टेशन सबसे नियर बाय है, वहाँ पे आप उतर के और आराम से कोई भी ऑटो कैब करके सीधा आप हमारे पे आ सकते हो, और भैया की लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है जी जी, उसे फॉलो करके आप आ जाओ भैया के यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे आके सारा माल ले सकते हो आप। ये सामने आप देख सकते हैं भाई, पूरा होलसेल में माल लगा हुआ है भैया का, ठीक है, माल की कोई कमी नहीं है, कितना भी माल आपको चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। यहाँ पर भवाना फैक्ट्री है, यहाँ पर पूरा माल प्रॉपर तैयार होता है, मशीनें भी मैंने आपको दिखाई कैसे कैसे तैयार होता है, तो यहाँ से माल ले सकते हो भाई। हैवेल्स की टक्कर का आपको माल मिल जाएगा यहाँ पे, उससे आधे दामों में, ठीक है, भैया ने जैसे आपको बताया, ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई, ठीक है, और चैनल को जिस भाई ने हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है, काफ़ी सस्ते रेट में माल दिलाने वाला हूँ। चैनल पे जो भी चीज़ आपको दिखाई जाएगी काफ़ी बढ़िया और सस्ते रेट में दिखाई जाएगी, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।